हाय गाइस, हेलो अगेन टू माय चैनल। तो आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम को कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम में हमारा कॉनिकल पेंडुलम बाकी है, देन विल गो फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो एक नॉन यूसीएम है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्योंकि ये इक्वेशंस हमको पता होने चाहिए और वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे किए थे पता होने चाहिए। तो ये जो आप स्क्रीन के राइट साइड में आप एक सेक्शन देख रहे हो, वो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए है। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब हम लोगों ने रोड के आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया था कंपेयर टू इट्स इनर एज। कहाँ पे? जहाँ पे जब टर्न आएगा सिर्फ वहाँ पे, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है गाड़ी को। और अगर फ्रिक्शन नहीं है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कम है, क्योंकि आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू अगर कम है तो पहले केस में हमने देखा मोस्ट सेफ स्पीड, मतलब बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने फ्रिक्शन निगलेक्ट किया है, हमने यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं की है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बना था वो था वी एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये है मोस्ट सेफ स्पीड, राइट? मैं यहाँ मिनिमम या मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, और फ्रिक्शन निगलेक्ट किया है, हमको बात करनी मिनिमम स्पीड की, कि कम से कम कितना स्पीड होगा। व्हाट व्हाट कैन बी द मिनिमम स्पीड टू फॉर अ व्हीकल टू टेक अ टर्न सेफली, मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए नीचे एक इक्वेशन लिखा है। इसमें सिर्फ क्या है कि हम लोगों ने फ्रिक्शन को अभी इन्वॉल्व कर लिया, फ्रिक्शन को हम लोगों ने इन्वॉल्व कर लिया यहाँ पे। और ये जो मिनिमम स्पीड का जो कंडीशन था, हम ये बोल रहे थे कि अगर हमारे पास जो स्पीड है व्हीकल का, अगर वो अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से कम हुआ तो क्या होगा, हम वो कंडीशन चेक कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन का कंपोनेंट आता है जो अलॉन्ग द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन है, मतलब रोड के इंक्लिनेशन के डायरेक्शन में है, अपवर्ड्स है, फिर उसमें आपने फ्रिक्शनल फोर्स के, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट किए, एफ एस कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हुए थे एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है आप कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस का। तो हमने देखा था कि एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा ये एम जी को बैलेंस करता है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज़ एम वी स्क्वायर बाई आर वो प्रोवाइड करता है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को मिला था मिनिमम स्पीड का इक्वेशन, जो मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है। यहाँ तक तो हमारा लास्ट लेक्चर में हुआ था, अब हमको बात करनी है मैक्सिमम स्पीड की। तो जैसे मैंने वहाँ बताया कि मोस्ट सेफ स्पीड से या कम होगा या ज़्यादा होगा, तो कम होगा तो हमने देख लिया, अब ज़्यादा होगा तो क्या, उसको मैं बोलता हूँ वी टू। वी टू इज इक्वल टू, सॉरी, वी टू इज़ लेस देन ग्रेटर देन, क्योंकि मिनिमम का तो हमने ले लिया कि अगर हमारा स्पीड आर जी टेन थीटा से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। बेसिकली दिस इज़ वॉट वी विल बी डिस्कसिंग, ये हमको आज देखना है। तो वापस से हमको एक डायग्राम लगेगा यहाँ पे, ये आपका हॉरिजॉन्टल रोड, टर्न पे आप लोग बैंकिंग करते हो, ये आपका एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया थीटा, यहाँ पे व्हीकल था, एम जी हमेशा डाउनवर्ड्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को नॉर्मल होगा, मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है उसको, और इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, और ये एंगल जो है आपका ये थीटा एंगल है, और ये आपका हो गया एन कॉस थीटा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का एन साइन थीटा कंपोनेंट अभी भी इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो मतलब बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट चेंज नहीं होने वाले। सिर्फ इसमें चेंज क्या होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अभी भी इट इज़ अलॉन्ग द इंक्लिनेशन बट डाउनवर्ड्स। तो अभी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, यहाँ पे है बेसिकली। तो यही एक चेंज है जो आपको पता होना चाहिए, ये एक चेंज है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको, इसके भी कंपोनेंट्स करना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये एन साइन थीटा प्रॉब्लम दे रहा है हमको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने में, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, गुड, और मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे एन साइन थीटा। ओके, तो अब मैं इसके कंपोनेंट करूँगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स कर लेंगे फोर्स के। ये एंगल थीटा है, क्यों अल्टरनेट एंगल थ्योरम ये आपने पढ़ा हुआ है आपके स्कूल से, तो ये आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ये जो कंपोनेंट होगा
दिस विल बी एफ एस कॉस थीटा, और ये जो डाउनवर्ड कंपोनेंट जाएगा इट विल बी एफ एस साइन थीटा, राइट। इतना ही चेंज है। मैक्सिमम स्पीड निकालते टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अलॉन्ग द इंक्लिनेशन बट डाउनवर्ड्स है, इतना ही चेंज है। अब देखते हैं कि वेक्टर्स का और डायग्राम कैसे बनता है, यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एम जी जो है वो डाउनवर्ड्स है, बट एफ एस साइन थीटा भी डाउनवर्ड्स है, जो पिछले केस में अपवर्ड्स था। ये एक चेंज है। दूसरा चेंज ये है कि एफ एस कॉस थीटा अप टूवर्ड्स द सेंटर पॉइंट कर रहा है, लास्ट केस में वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, और आपका एन कॉस थीटा, आपका ये जो एन साइन थीटा कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, और एन कॉस थीटा का डायरेक्शन भी आपका चेंज नहीं हुआ है बेसिकली। तो दैट इज वॉट इट इज। तो अब ऐसा है हमारे पास। अब इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रॉम फिगर हम लोग देख सकते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। तो एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज एम वी स्क्वायर बाई आर। लेट्स से इक्वेशन नंबर 9, इसको इक्वेशन नंबर 9 मान लेते हैं हम लोग। और एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, एम जी आपको मिलेगा बेसिकली, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय एन कॉस थीटा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 10। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो इसके बाद आपको मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करके दिया है, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है बाय डूइंग सम मैथमेटिक्स आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा V2 का, पर हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं करेक्शन कर लूँ, यहाँ पे ये V2 बोलेंगे हम इसको, V2 स्क्वायर। अब करना क्या है हम लोगों को, बस इक्वेशन 9 और 10 को डिवाइड करना है और कुछ नहीं है। डिवाइड इक्वेशन नंबर 10 बाय इक्वेशन नंबर 9, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है ये एम वी टू स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी विच इज एन साइन थीटा प्लस एफ एस, बट एफ एस क्या था, एफ एस था म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। मैंने सिर्फ एफ एस की जगह पे म्यू एस एन लिखा है, दैट्स इट, आई हैव डन नथिंग मोर। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। तो आपको मिलेगा यहाँ पे वी टू स्क्वायर बाय आर जी। देखो अब इक्वेशंस को फॉलो करना पड़ेगा आपको। यहाँ से आप वापस से व्हाट यू कैन डू इज, आप वापस यहाँ से एन कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हो। द सेम डेरिवेशन जो हमने फॉलो किया है लास्ट टाइम वही करेंगे। हम लोगों ने एन कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से फर्स्ट। फिर यहाँ पे बचा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मैं उस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हूँ, प्लस म्यू एस, प्लस म्यू एस बचा न्यूमरेटर में, सिमिलरली डिनोमिनेटर में बचेगा आपका 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर वी टू स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब आपको मिल जाएगा V2, जिसको हम लोगों ने मैक्सिमम स्पीड भी बोला है, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो ये मिल गया आपको मैक्सिमम स्पीड का इक्वेशन।
बहुत बहुत ही सिंपल है ये, देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है इसको, तो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ याद के रखना है कंपोनेंट्स कैसे करने हैं वेक्टर्स के, फोर्सेस के, उतना ही आपको ध्यान देना है। गुड, तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ अभी डिफरेंस क्या था, मिनिमम स्पीड में यहाँ पे डिनोमेटर में 1 माइनस के जगह पे 1 प्लस साइन आता है, और मैक्सिमम स्पीड में 1 माइनस आता है। और ये सिंपल सी चीज़ है, मैक्सिमम की बात करोगे तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम लोग इक्वेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, V1 हम लोग बात कर रहे थे मिनिमम स्पीड की, V2 हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम स्पीड की। ये ट्रिक्स जो है, ये ट्रिक्स आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम में आती है, क्योंकि आपको यहाँ तक तो याद होता ही है कि रूट ऑफ RG टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन, ये याद रहता है, रूट ऑफ RG टैन थीटा प्लस म्यू एस। गड़बड़ हो जाती है आपके डिनोमिनेटर में, माइनस कहाँ प्लस कहाँ। बेसिक्स अगर पता है ना आपको, बेसिक्स क्या बोलता है आपका, अगर मिनिमम की बात कर रहे हैं हम लोग मतलब वैल्यू स्मॉल होगी, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो 1 प्लस होगा। मैं और बेसिक में जाता हूँ, देखो ऐसा है कि आप लोगों को ये तो पता है कि यहाँ पे 1 μs tan थीटा है, यहाँ पे भी 1 μs tan थीटा है। सिर्फ गड़बड़ कहाँ होती है साइंस में, प्लस या माइनस। मैं वापस उस चीज़ पे आ रहा हूँ, अब अगर वैल्यू स्पीड का मिनिमम रखना है तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ जाएगा प्लस। और अगर स्पीड का वैल्यू मैक्सिमम रखना है तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा नंबर उतना बड़ा होता है, तो 1 माइनस। तो ये है आपका बेसिक्स, इतना आपको पता होना चाहिए, राइट। गुड, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कॉनिकल पेंडुलम की। सो लेट्स सी व्हाट इज कॉनिकल पेंडुलम। तो अगला टॉपिक है हमारा कॉनिकल पेंडुलम, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। वी हैव नॉट वेंट टू, हम लोग अभी तक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने स्टार्ट नहीं किया है। देखो कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम और कॉनिकल पेंडुलम एक ही चीज़ है बेसिकली, सिर्फ मोशन में डिफरेंस है। तो सिंपल पेंडुलम मतलब क्या था, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट हैज़ टू बी रिजिड। उसके बाद आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब वो एक्सटेंड नहीं होगी, और फ्लेक्सिबल का मतलब जो है थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट होता है, तो मैं ये वर्ड छोड़ देता हूँ फ्लेक्सिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब ये होगा कि उसका लेंथ चेंज नहीं होगा। तो अगर इसका लेंथ एल है और मैं नीचे कितना भी मास लगा दूं तो उसका लेंथ चेंज नहीं होगा। और हम जो यहाँ पे मास लगाते हैं इसको बॉब बोलते हैं, और हम लोग यहाँ पे इस बॉब को पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, राइट। अब अगर मैं इस पेंडुलम को यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, राइट। तो ये है सिंपल पेंडुलम। अब ये जस्ट रेफरेंस के लिए था, तो आई विल पुट इट हियर इन ब्रैकेट, ओके। अब कॉनिकल पेंडुलम मतलब क्या, कॉनिकल पेंडुलम मतलब सिंपल पेंडुलम ही है, डिफरेंस है कि हम लोग उसको मोशन कैसे दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अभी भी रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, देन यू हैव स्ट्रिंग विच इज़ अगेन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ओके। देन यहाँ पे आपका बॉब होगा, फिर इस बॉब को मैं यहाँ पे लाता हूँ, आई विल ब्रिंग इट हियर, लेट से सम पॉइंट बी, ए बी जो भी बोलना है। अब हम लोग इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल पुश देंगे, मतलब हम लोग जानबूझ के इसको धक्का ऐसे देंगे कि इट विल परफॉर्म, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। तो सिंपल पेंडुलम ही है पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर
सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब मैं इस स्ट्रिंग को बॉब के साथ पॉइंट मास के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज इट। ओके, पार्डन मी फॉर ड्राइंग। और ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ओके राइट, तो इस चीज़ को बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। मतलब है वो सिंपल पेंडुलम ही, सिर्फ इसको आपने मोशन ऐसा दिया है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब आपको देखना है कि कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। इजी है, यहाँ पे दो फोर्सेस हैं। सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन पॉइंट मास एम, या फिर बॉब बोल सकते हो। ओके, अब कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं यहाँ पे? बहुत सिंपल है, दो फोर्सेस है। पहला हमेशा एम जी रहेगा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये टेंशन फोर्स आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग टी जीरो, ये हमेशा ही अलॉन्ग द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब जहाँ पे आपने रस्सी को बांध रखा है, स्ट्रिंग को बांध के रखा है, उस डायरेक्शन में ही होता है हमेशा। तो ये हमेशा होगा अलॉन्ग द पॉइंट ए, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। नोटेशन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो बुक्स का नोटेशन है वो रखेंगे हम लोग। ओके गुड, और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसको मैं कैपिटल एल नाम दे दूंगा। सो वेयर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कैपिटल एल, लेट मी पुट इट हियर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कैपिटल एल। एनीवेज, अब आप इसके कंपोनेंट करेंगे हम लोग। कंपोनेंट करना भी बहुत ईजी है। देखो कंपोनेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे। समझेगा आपको, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ये पता होना चाहिए। दिस इज सिंपल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते हो अल्टरनेट एंगल थ्योरम से दिस एंगल इज थीटा। तो अब ये जो फोर्स है टी जीरो विच इज टेंशन, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा टी जीरो कॉस थीटा, क्योंकि ये आपका एडजेसेंट कंपोनेंट है। दूसरा होगा यहाँ पे टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, विच इज बेसिकली टी जीरो साइन थीटा। राइट, ये दो कंपोनेंट आपके हो गए। और ये सेंटर है सी, मैं सिर्फ दिखाने के लिए इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। राइट, इतना आपको पता होना चाहिए। बहुत बहुत सिंपल सिंपल लिया है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो फोर्सेस थे, मैं लिख देता हूँ टेंशन इन द स्ट्रिंग टी जीरो, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी जीरो विच इज टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, वो हमेशा टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन ही होता है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फोर्स है आपका एम जी विच इज़ डाउनवर्ड्स, एम जी विच इज़ डाउनवर्ड्स। अब अगर आप देखोगे वापस से, अगर आपको देखना है मतलब डायग्राम से क्लियर है फ्रॉम फिगर वन, सो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम फिगर वन, एम जी को बैलेंस कौन कर रहा है? टी जीरो कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन। सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टी जीरो साइन थीटा। तो सेंट्रिपेटल फोर्स विच इज एम वी स्क्वायर बाय आर इज प्रोवाइडेड बाय टी जीरो साइन थीटा, इक्वेशन नंबर टू। राइट, तो हर सर्कुलर मोशन की जब भी बात करोगे तो ये देखना है कि सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमको और कुछ नहीं देखना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, देखो हर एक डेरिवेशन में सेम टू सेम चल रहा है, हम लोग सिर्फ चीज़ें फोर्सेस के कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। ये देखते हैं कि सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है और एम जी को बैलेंस कौन कर रहा है, और हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग अगर इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी विच इज टी जीरो साइन थीटा बाय टी जीरो कॉस थीटा। तो टी जीरो भी यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एम और एम भी गया,
तो आपको मिला वी स्क्वायर बाय आर जी टेन थीटा, बेसिकली इज इक्वल टू टेन थीटा, ये मिल गया आपको इक्वेशन। अब अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप अगर, तो ये आपको मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। मतलब अगर आप देखोगे तो जो मोस्ट सेफ स्पीड की हमने बात की थी वहाँ पे ये भी ये इक्वेशन था, यहाँ पे भी ये इक्वेशन है, पर मोशंस में फ़र्क है बेसिकली। वो भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था, पर वो मोशन था कार का अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, राइट, पर वो भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था, राइट। वहाँ पे आपका एन साइन थीटा आपको सेंट्रीपेटल फोर्स देता था, यहाँ पे टी जीरो साइन थीटा सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है, तो मोर और लेस आइडिया सेम है, इक्वेशन भी सेम बनते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये बहुत सिंपल सा काम हो गया हमारा, इट्स नथिंग डिफिकल्ट हियर, तो याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये डायग्राम याद रखो, मैं डायग्राम से कुछ लिखता हूँ यहाँ पे जो हमको काम में आने वाला है। तो अगर आप डायग्राम से देखोगे तो अगर आप साइन थीटा की बात करते हो, साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। अपोजिट साइड मतलब रेडियस हो गया सर्कुलर मोशन का, और हाइपोटेन्यूस मतलब ये जो आपका यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो लेंथ है, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल। तो साइन थीटा आपका हो गया आर बाय एल, ये हो गया आपका R by L, तो आपको R मिल गया L sin theta, L sin theta, ये important है, क्यों समझेगा आगे। एक काम करते हैं हम लोग, अब next page पे दिखाता हूँ मैं, what I want to say is, हमको मिल, हमारे पास equation था V square equal to R G tan theta, okay? मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट, ओके। और v हमको पता है व्हाट इज v, v इज इक्वल टू आर ओमेगा था अगर आपको याद होगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आर जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये याद होना चाहिए आपको, राइट, ये याद होना चाहिए आपको। तो बेसिकली आफ्टर सॉल्विंग दिस, एक आर और एक आर कैंसिल हो गया, आपको मिल गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, राइट। तो ये आपको मिल गया एंगुलर फ्रिक्वेंसी का इक्वेशन, बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, क्योंकि हमको टाइम पीरियड निकालना होता है, क्योंकि हमको टाइम पीरियड निकालना होता है। तो बेसिकली ओमेगा इज इक्वल टू जी बाय आर टेन थीटा, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड इज टू पाई बाय ओमेगा, सिंपल, टू पाई बाय ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ जी बाय आर टेन थीटा हियर, सो दिस इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी टेन थीटा, क्वाइट सिंपल थिंग। तो ये एक इक्वेशन हो गया, तो t इज इक्वल टू टू पाई, आर क्या था l cos थीटा, l sin थीटा था अगर आपको याद होगा, इट वॉज l sin थीटा अपॉन g sin थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि वहाँ पे tan थीटा है, कैंसिल कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा बाई g, या आ गया आपका पीरियड का इक्वेशन। थोड़ा लेंदी जानबूझ के कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक्स में डायरेक्टली शॉर्टकट दिया हुआ है, बट आई वॉन्ट टू गिव यू ईच पॉसिबल इक्वेशन। और हमको लीनियर फ्रिक्वेंसी निकालना है, तो लीनियर फ्रिक्वेंसी होता है वन बाय टी, जिसको आप सिर्फ फ्रिक्वेंसी बोलते हो, फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, सो दैट इज वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा, सिर्फ रेसिप्रोकल है उसका टी का, दिस इज फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ, और ये क्यों किया अभी वो भी बताऊंगा मैं, ये एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ओके, राइट।
तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो मैं वापस बता रहा हूँ कि किया क्या हम लोगों ने, और ये इतना उसको लेंदी क्यों किया है, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन की जरूरत पड़ती है हम लोग। सॉरी देर वॉज सम नॉइज, यहाँ पे चलता रहता है। एनीवेज, तो हमने क्या किया, सिंपल पेंडुलम ही था, उसको कॉनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसको मोशन ऐसा प्रोवाइड करते हैं, इनिशियल स्पीड ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है बेसिकली। तो हमने देखा कि कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, टेंशन और एमजी। टेंशन के कंपोनेंट्स कर लिए हम लोगों ने, एक टी कॉस थीटा, एक टी साइन थीटा, राइट। अब हमने देखा कि टी कॉस थीटा ये एमजी को बैलेंस कर रहा है, और टी साइन थीटा, टी जीरो साइन थीटा ये टूवर्ड सेंटर है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हमको मिल गया इक्वेशन 1 एंड 2, उनको डिवाइड कर लिया, हमको मिल गया वी इक्वल टू आर जी टैन थीटा का स्क्वायर रूट। ओके, तो ये इक्वेशन और आपका मोस्ट स्टेप का इक्वेशन सेम है। अब इसके आगे हमने सिर्फ क्या किया है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया, क्योंकि हमको दिख रहा है साइन थीटा इज आर बाई एल फ्रॉम डायग्राम, तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा मिल गया। अब इसका यूज़ कहाँ है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा है हमारे पास, मैंने टेन को वापस साइन अपॉन कॉस लिखा है, फिर हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का एक इक्वेशन निकाल लिया। इसको साइन बाय कॉस लिखो मत लिखो, ठीक है, वो बाद में हम लोग कैंसिल आउट करने वाले हैं, इसलिए लिखा है। तो आई विल जस्ट बेसिकली गेट रिड ऑफ दिस थिंग, आई विल जस्ट राइट इट आर जी टेन थीटा, वो बाद में हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, डजंट मैटर, सिंपल सी चीज़ है वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके। अब ऐसा लिखने के पीछे रीज़न क्या था, ऐसा लिखने के पीछे हमारा रीज़न सिर्फ इतना था कि अगर हमारे पास, हमको ओमेगा निकालना है, तो जी बाय आर टेन थीटा अंडर रूट से हम निकाल सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रॉब न्यूमेरिकल्स में आपको टी पूछा होता है, टाइम पीरियड पूछा होता है, तो कभी आपको रेडियस दिया होगा, कभी आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम दिया होगा, तो ये चीज़ पे ध्यान रखना। अगर आर दिया है तो हम आर यूज़ करेंगे, अगर आर नहीं दिया है तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा यूज़ करके हम लोग टाइम पीरियड का ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो कहाँ पे हम, डिपेंड्स ऑन व्हाट पैरामीटर यू आर गिवन, आपको कौन से पैरामीटर दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो इसीलिए सिर्फ इतना ही रीज़न था कि उसको थोड़ा सा मैंने हर एक फॉर्म में लिख के दिया है आपको, दैट वॉज द ओनली रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्वांटिटी दी है और आपको क्या पूछा है, उस पर डिपेंड करता है सब। अच्छा गुड, तो आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, कल के सेशन में हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे। बाय देन स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, और अगर आपको डाउट होगा, कुछ सजेशंस होंगे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पे, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप।